आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के सीयूटी स्प्रिंट सीरीज में जहाँ पे वन शॉट में चैप्टर नंबर सेवन जो कि है डायरेक्टिंग मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर सेवन अगर डायरेक्टिंग की बात करें तो इसमें तो भाई ऑब्जेक्टिव्स का आप कह सकते हो खजाना का खजाना भरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ इंसेंटिव है 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 कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वाला पार्ट बैरियर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है यहाँ पे से खूब सारे खूब सारे जो है ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं जहां पे भी कंसेप्ट ज्यादा होते हैं वहां पे क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं इसीलिए ये चैप्टर जो है कही कहीं ना कहीं सीयूटी की बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है साथ ही साथ और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर सी की बात करें तो उसमें हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो जरूर पढ़ा था बट इसके जो टाइप्स है ठीक है हाँ हमने हॉरिजॉन्टल जो है वर्टिकल जो है डाइगनल जो है वो हमने पढ़ा था बट इसके जो कम्युनिकेशन टाइप्स है जैसे ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन है सिंगल स्ट्रैंड है इन्वर्टेड uh, वी है सिर्फ बहुत सारे सब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो हमने सीबीएसई में नहीं कवर किया था बिकॉज वो सीबीएसई का हिस्सा नहीं था बट सीयू की बात करें तो यस उसमें हमें वो भी कवर करना है तो एक नया पार्ट है जिसमें इंक्लूड हो रहा है तो थोड़ा सा यहां पे गौर से जरूर इसको पढ़िएगा ठीक है तो यहां पे बेटा अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करूं तो डायरेक्टिंग में बेसिकली हम क्या टॉपिक्स सब टॉपिक्स यहां पे कवर करने वाले है सबसे पहले हम डायरेक्टिंग क्या है उसका मतलब समझेंगे फॉलोड बाई फीचर्स जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर फीचर्स की बात करें तो आप इसको जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो उसके बाद आएगा आपका इंपॉर्टेंस जिसको आप यहाँ पे एक तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिंग भी कह सकते हो फॉलोड बाई सुपरविजन जो वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है देन आता है आपका यहाँ पे मोटिवेशन मोटिवेशन की अगर बात करें तो मोटिवेशन में यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज मैस्लोज नीड ठीक है तो मैस्लोस नीड हेरार यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाना है उसके बाद आएगा आपका टाइप्स ऑफ इंसेंटिव जो दो पार्ट में डिवाइड होगा एक होगा आपका यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड दूसरा होगा आपका यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ठीक है फॉलोड बाय द नेक्स्ट एलिमेंट जो की है लीडरशिप अगेन लीडरशिप की बात करें तो उसमें एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर जो की सीबीएसई में नहीं था बट सीयूटी के सिलेबस में है तो आपको यहाँ पे करके जाना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन आएगा जिसके एडेड टॉपिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन सीबीएसई में भी इम्पोर्टेंट था और सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक या तो क्वेश्चन है ठीक है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्टिंग में हमें कवर कर रहे हैं तो बिना देरी किए यहाँ पे हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टिंग की बात करूं तो बेटा डायरेक्टिंग यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या ठीक है देखिए एक चीज आप यहाँ पे समझिए डायरेक्टिंग वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है अब यहाँ पे जब मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं प्लानिंग से उसके बाद हम सेकंड किस पे जाते हैं तो सेकंड हम यहाँ पे जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे राइट right. उसके बाद जो थर्ड फंक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं दैट इज स्टाफिंग अब यहाँ पे ये तीन फंक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग तो यहाँ पे बेसिकली हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ठीक है प्लानिंग में हम सोच रहे हैं व्हाट टू डू व्हेन टू डू हाउ टू डू अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो रिसोर्सेज अरेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं बट अगर मैं स्टाफिंग की बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्स को हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में अगर मैं फर्स्ट थ्री स्टेप्स ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करूँ या फर्स्ट थ्री फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स है उसको हम कर रहे हैं क्या हमने फिलहाल काम की शुरुआत की है क्या हमने प्लान के इंप्लीमेंटेशन शुरू किया है नहीं जब भी प्लान की इंप्लीमेंटेशन की बात आती है जब भी भी प्लान की शुरुआत की बात आती है तो तो वो हम फोर्थ फंक्शन मतलब यहाँ पे डायरेक्टिंग पे ही शुरुआत करते हैं डायरेक्टिंग का अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दू है डायरेक्टिंग को अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली बताना चाहूँ तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ पे एक मैनेजर अपने वर्कर्स को अपने सबॉर्डिनेट्स को एक्चुअल में बताता है कि इसको कब यहाँ पे क्या करना है ठीक है जैसे मैंने वर्क डिवाइड कर दिया कौन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा कौन सा सब कौन से टास्क के ऊपर फोकस करेगा किसका क्या टारगेट होगा इन चीज़ों को बताना इन चीज़ों को लेकर इंस्ट्रक्शन देना अब लोगों ने काम की शुरुआत करी काम की शुरुआत करने के बाद हो सकता है उनको कोई दिक्कत आए बीच में कोई रुकावट आए कोई चैलेंज आए तो उनको गाइड करना राइट right? लोग सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्या यहाँ पे वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना काम करते दौरान हो सकता है थकान सी हो गई हो सकता है काम करने का भी मन नहीं कर रहा हो सकता है कि अभी कंटाला आ रहा है तो उनको मोटिवेट करना तो ये सारी चीजें जो आपको काम करवाने के लिए लगती है कि आपकी इंप्लाइज एफिशियंटली परफॉर्म करे बेस्ट ऑफ द आउटपुट दे कि फाइनल गोल्स फाइनल रिजल्ट फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी वो अचीव कर सके ये सारी चीजें यहाँ पे डिरेक्टिंग

राइट right? साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके से यहाँ पे कि उनकी जो भी एफर्ट्स है अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स की तरफ हो और उनके ये ये जो जो एफर्ट्स है आप डायरेक्टिंग कर रहे हो मोटिवेट कर रहे हो जो भी आप ये एलिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो उनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो जैसे कि मैं हमेशा आपको कहते आ रही हूँ कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करो एंड में उसका गोल उसका पर्पस एक ही होगा टू अचीव द द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आई रियली होप कि डायरेक्टिंग क्या है ये यहाँ पे सभी को समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है सबसे पहला ब्रीफ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्टिंग दैट इज फीचर्स या तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग भी कह सकते हो सबसे पहला फीचर क्या कहता है कि डायरेक्टिंग डिरेक्टिंग एक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग ये 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 तीनों फंक्शंस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जब आप आप पे 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 परफॉर्म कर रहे होते हो तो तीन तीन लेवल या बस नेसेसरी चीजों को अरेंज कर रहे हो ठीक है प्लानिंग में आप देख रहे हो कि बाबा कौन कब क्या करेगा तो एक सिस्टमैटिक रिटर्न आप प्लान करके एक डॉक्यूमेंट होता है उसको आप यहाँ पे तैयार कर रहे हो काम की शुरुआत की क्या नहीं एक बार अपने प्लान बनाया एक डॉक्यूमेंट बनाया सीक्वेंस और स्टेप्स बनाए कि चलो फर्स्ट ये करेंगे सेकेंड ये करेंगे कौन कब क्या यहाँ पे करेगा राइट right? ये सीक्वेंस और स्टेप्स यहाँ पे बनाने के बाद अब सेकेंड स्टेप पे जाओगे जो कि है ऑर्गेनाइजिंग अब ऑर्गेनाइजिंग में भी आप पहले रिसोर्सेज अरेंज करोगे जैसे मेन है मटेरियल है मशीन है एक्सेट्रा उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्राफ्ट करोगे अब स्ट्रक्चर ड्राफ्ट किया तो वो वेकेंट पोजिशन को फिल करने के लिए आप स्टाफिंग करोगे ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आओगे अभी तक आपने काम की शुरुआत नहीं करी

एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया लोगों को बता दिया कि किसको क्या काम करना है और आपका काम खत्म आप एकदम ऐसा रिलैक्स होके बैठ होकर ऐसा नहीं होता है और इसीलिए डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूइंग फंक्शन है एक कंटिन्यूस यहां पे फंक्शन उसको माना जाता है नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि डायरेक्टिंग जो है एवरी लेवल यहां पे मैं एवरी लेवल कह रही हूं मतलब मैं किसको रेफर कर रही हूं तो यहां पे मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रही हूं ठीक है टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल या तो आप उसको ऑपरेशनल या तो सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हो तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है टॉप लेवल पे भी होता है मिडिल लेवल पे भी होता है लोअर लेवल पे भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है अब टॉप लेवल है उनको अपने जूनियर्स मतलब मिडिल लेवल में जो डिपार्टमेंटल हेड है जो उनको डायरेक्ट करना है कि बाबा आपके डिपार्टमेंट के लेवल पे आपको क्या काम करना है क्या गोल्स अचीव करना है क्या टारगेट्स अचीव करना है अब जो डिपार्टमेंटल हेड जो उनके अंडर जो सबोर्डिनेट्स है जो उनकी टीम है उनको उनको इंस्ट्रक्शन देना है डायरेक्टिंग करना है अब जो लोअर लेवल मैनेजर्स है जो यहाँ पे सुपरवाइजर्स है ऑपरेशनल हेड है उनको वर्कर्स को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने वर्कर्स को बताना है कि किसको कब क्या काम करना है कौन कौन से प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करेगा तो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डायरेक्टिंग यहाँ पे मौजूद होता है नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि डायरेक्टिंग हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो होता है ए टॉप टू बॉटम क्यू फ्लो होता है डायरेक्टिंग क्योंकि हमेशा आपको यहां पे याद रखना है सुपीरियर विल गाइड और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स ठीक है और ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है देखो रिवर्स की सिनेरियो नहीं हो सकता है कि सुपीरियर जो है यहाँ पे सब की सुन रहा है या सबोर्डिनेट सुपीरियर को बता रहा है डायरेक्ट कर रहा है इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कब उसको क्या क्या करना है जो सुपीरियर है हायर इन अथॉरिटी होता है वो बॉस होता है और इसीलिए वो सबऑर्डिनेट को बताएगा कि किसको यहाँ पे कब क्या करना है क्या इंस्ट्रक्शन है क्या गाइडेंस है क्या मोटिवेशन फैक्टर्स है इसीलिए डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम फ्लो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को डायरेक्ट करता है मिडिल लेवल लेवल को डायरेक्ट करता है लोअर लेवल वर्कर्स को करता है यह कभी भी रिवर्स नहीं जा सकता है ठीक है नेक्स्ट फीचर क्या कहता है कि डायरेक्टिंग जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है आप जो वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो गाइड कर रहे हो मोटिवेट कर रहे हो क्यों कर रहे हो सो दैट वर्कर्स मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सके बेटर से बेटर आउटपुट बना सके और कंपनी के जो गोल्स है जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको यहां पे अचीव कर सके तो डायरेक्टिंग का मेन फोकस होता है वर्कर्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करना उनकी एफिशियंसी को बढ़ाना वर्कर्स से बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे आउटपुट आपको लाके देना लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे फीचर कहता है कि डायरेक्टिंग एक ह्यूमन एलिमेंट है जाहिर सी बात है यहाँ पे आप सुपीरियर की बात करो सब सबऑर्डिनेट की बात करो जब भी हम डायरेक्ट कर रहे हैं जब भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो मोटिवेट कर रहे हो तो आप ह्यूमंस या ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हो इसीलिए अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन तो भाई एक ऐसा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है जो जोर जबरदस्ती के साथ किया ही नहीं जा सकता और हर एक व्यक्ति है तो उसकी जो नीड है जो है वो अलग है कोई पैसे के लिए काम कर रहा है कोई सीखने के लिए काम कर रहा है कोई स्टेटस के लिए काम कर रहा है किसी को घर खरीदना है किसी को गाड़ी खरीदनी है किसी को मौज मस्ती करनी है तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति अलग है उनका स्वभाव अलग है उनकी नीड्स अलग है उनका वॉन्ट्स अलग है और डायरेक्टिंग जो है इन्हीं लोगों के साथ यहाँ पे डील करता है ठीक है चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है चलो माना बट मैं अगर डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं इस्तेमाल करती हूँ या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग फंक्शन को फॉलो नहीं करती हूँ तो क्या रिजल्ट होगा अच्छा होगा बुरा होगा क्या अच्छा होगा या फिर क्या बुरा यहाँ पे हो सकता है सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे समझ में आती है कि डायरेक्टिंग का मेन इंपॉर्टेंस है टू इनिशिएट एक्शन राइट जब भी मैं कहती हूं टू इनिशिएट एक्शन तो बेटा इसका यहां पे मतलब क्या होता है कि देखिए अगर मैं डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो डायरेक्टिंग कहता है कि मैं एक ऐसा फंक्शन हूं जो यहां पे एक्चुअल में काम की शुरुआत कराता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग ये तीनों फंक्शन पे काम की शुरुआत नहीं हुई है एक्चुअल काम की शुरुआत तो डायरेक्टिंग फंक्शन पे होती है तो मैं अगर डायरेक्टिंग फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करती या परफॉर्म नहीं करती तो काम की तो शुरुआत ही नहीं होगी राइट नेक्स्ट यहां पर तो जो है उनको आप काम दोगे उनको जो भी यहाँ पे टारगेट्स दोगे वो तो जुट जाएंगे उन टारगेट्स को यहां पे पूरा करने में बट तो एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स है उनको कंपनीज के गोल्स के साथ जो लिंक करना होता है वो कौन करेगा तो यहाँ पे ये डायरेक्टिंग का काम होता है एम्प्लॉयज को यहाँ पे गाइड करके एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन करके उनको मोटिवेट करके ये कोशिश किया जाता है कि वर्कर्स के जो एफर्ट्स है वो यहाँ पे कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन हो मैक्सिमम एफिशेंसी यहाँ पे वर्कर्स में से आए और कंपनी के जो गोल्स है ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे अचीव हो सके नेक्स्ट इंपोर्टेंस कहता है कि डायरेक्टिंग जो है एक मीन्स ऑफ यहाँ पे मोटिवेशन है देखिए अगर आप चाहते हो कि आप अपने एम्प्लॉय से मैक्सिमम एफिशिएंसी ला पाओ आप अपने से ऑफ द आउटपुट लेकर आ सको तो इसके लिए एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है अब एम्प्लॉयज को क्या चाहिए क्या नीड है क्या वांट है किन चीजों से वो मोटिवेट होगा उन चीजों को इस्तेमाल करके उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखना ये कौन सा फंक्शन करता है तो भाई मोटिवेशन तो डायरेक्टिंग का हिस्सा है एंड बिकॉज डिरेक्टिंग है एम्प्लॉयज कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहते हैं और बेस्ट ऑफ द एफिशियंसी के साथ वो काम भी करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंस क्या कहता है कि डायरेक्टिंग के कारण स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन आता है देखिए बेटा काफी बार ऐसे होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका जो गोल है उनका जो फोकस है वो डिफरेंट हो सकता है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि कोई यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है अब फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई मेरे को तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाना है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है बट उसके अगेंस्ट अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेच के दिखाना है तो सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि चलो ठीक है मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचने हैं तो एक काम करते हैं हमें ना सुपर डुपर डिस्काउंट ऑफर निकालते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा ए बावरे तू डिस्काउंट देगा प्रॉफिट कम हो जाएगा रेवेन्यू कम हो जाएगा ऐसा नहीं चलेगा तो इन दोनों को समझाएगा कौन तो इसके लिए डिरेक्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल होता है जिन दोनों को गाइड करता है इंस्ट्रक्शन देता है कि कब किसको क्या करना है तो हो सकता है डिरेक्टिंग फंक्शन में मैनेजर जो है सेल्स डिपार्टमेंट को कह दे कि देखिए आपके ऑफर से सेल्स तो हो जाएंगे कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो कोई और तरीका ढूंढिए सेल्स को बढ़ाने का ठीक है नेक्स्ट यहां पर इंपोर्टेंस क्या कहता है टू तो फेसिलिटेट चेंज अब एक चीज है जो बार बार लगातार हम यहाँ पे मैनेजमेंट को जब समझते हैं तो पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी उसका बिजनेस एनवायरमेंट होता है जो भी उसके सराउंडिंग फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा डायनामिक होते हैं कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है कभी भी कॉम्पिटिटर आ जाता है कॉम्पिटिटर की पॉलिसी बदल सकती है गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल सकती है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बदल सकती है नई टेक्नोलॉजी आ सकती है एंड सो ऑन अब आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल बने आपका बिजनेस ग्रो करे, आपका बिजनेस आगे बढ़े तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन आने वाले चेंजेस के मुताबिक आप अपने बिजनेस को भी ढाल सको अपने बिजनेस को भी यहां पे एडजस्ट कर सको बट करोगे तो करोगी कैसे राइट right? तो इसके लिए डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए बेटा जब भी हम चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं हो सकता है एम्प्लॉय रेजिस्ट करें ठीक है इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज ठीक है रेजिस्टेंस टू चेंज यहां पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज यहां पे कोशिश करते हैं कि नए जो चेंजेस आते हैं वो बोलेंगे भाई हमको ये नहीं चाहिए क्यों ये करना हमको सीखना पड़ेगा हमको दिक्कत आएगी एंड सो ऑन बट ये डायरेक्टिंग फंक्शन और मैनेजर्स का काम होता है एम्प्लॉय को यहां पे डायरेक्ट करना इंस्ट्रक्ट करना समझाना गाइड करना कि ये चेंजेस क्यों इंपॉर्टेंट है और ये चेंजेस हमें क्यों अपनाने चाहिए तो डायरेक्टिंग से यहां पे एम्प्लॉय को समझाकर इंस्ट्रक्शंस देकर हम यहां पे नए नए चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में इजीली ला पाते हैं यहां पे अडेप्ट कर पाते हैं ठीक है, है? चलिए आगे जाते हैं टू द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग एलिमेंट्स पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता दू कि अगर मैं यहाँ पे डिरेक्टिंग की बात करूं अगर मैं यहाँ पे डिरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो डिरेक्टिंग जो है यहाँ पे चार एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है सबसे पहला उसमें से आता है आपका सुपरविजन अब देखिए यहाँ पे जाहिर सी बातें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता दू ठीक है सबसे पहले आता है सुपरविजन फिर आता है आपका यहां पे मोटिवेशन उसके बाद आता है लीडरशिप एंड उसके बाद आता है लास्ट एलिमेंट जो कि है यहां पे कम्युनिकेशन ठीक है

तो इसमें सुपरविजन को हम सबसे पहले यहां पे समझेंगे ठीक है हर एक एलिमेंट को आपको यहां पे डिटेल में करना है सबसे पहले एलिमेंट जो यहां पे सुपरविजन है तो सुपरविजन का एक्जैक्टली exactly यहां पे मतलब क्या होता है देखिए बेटा सुपरविजन ये जो वर्ड है दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है सुपर एंड विजन ये दो अलग शब्द है जो कंबाइन करके यहां पे सुपरविजन ये शब्द बनाया गया है अब इसमें जो सबसे पहला वर्ड है सुपर तो सुपर का मतलब क्या होता है ओवर एंड अबाउ मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पोजिशन ठीक है मतलब जो आपका सुपीरियर है जो आपका बॉस है आपसे अथॉरिटी में बड़ा है सेकेंड जो वर्ड है यहां पे विजन तो विजन का मतलब क्या होता है देखना ठीक है तो जब भी आपका जो बॉस है या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे सुपीरियर है आपसे अथॉरिटी में बड़ा है वो आपके काम की निगरानी रखता है वो दिखता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति यहाँ पे काम सही तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा है जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे सुपरविजन कहते हैं सुपरविजन क्या है तो एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज की करना, देख की एक्टिविटी पे एक नजर रखना कि सारे यहाँ पे काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और नजर रखने वाला याद रखना हमेशा जो भी व्यक्ति होगा वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका सुपीरियर होगा जो आपसे अथॉरिटी एंड पोजिशन में बड़ा होगा ठीक है चलिए यहाँ पे सुपरविजन क्यों जरूरी है अब काफी बार हमें लगता है कि भाई सुपरविजन क्यों जरूरी है? एक बार काम बता दिया ना कर लेगा उतना तो ट्रस्ट यहाँ पे होना चाहिए नहीं सुपरविजन यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं है कि वो काम सही से नहीं करेगा वो हमेशा गड़बड़ करता है वो हमेशा गलत काम करता है ऐसा नहीं है सुपरविजन के कई सारे रीजन है या कई सारे बेनिफिट्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सुपरविजन से मिलता है सबसे पहला इम्पोर्टेंस या बेनिफिट ये कहता है कि सुपरविजन से यहाँ पे आप अपने वर्कर्स से आप मतलब कौन तो सुपरवाइजर्स जो है अपने वर्कर्स से डे टू डे कांटेक्ट यहाँ पे बना के रख सकता है मतलब मैं अपने वर्कर्स से रोज कनेक्ट कर सकती हूँ अरे भाई क्या चल रहा है हो गया ये काम अच्छा जम रहा है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इस तरीके से आप अपने वर्कर्स के साथ डे टू डे कॉन्टेक्ट बनाए रख सकते हो यहाँ पे रिलेशनशिप्स एंड बॉन्डिंग यहाँ पे डेवलप कर सकते हो सेकेंड इंपोर्टेंट सुपरविजन का क्या कहता है कि सुपरवाइजर्स जो है वो एक तरीके से वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में लिंक है अब मान के चलिए यहाँ पे मैनेजमेंट को कोई इंफॉर्मेशन वर्कर्स तक पहुंचानी है तो किसके द्वारा पहुंचाएंगे सुपीरियर्स के द्वारा ठीक है या सुपरवाइजर्स के द्वारा अब वर्कर्स है उनको कोई दिक्कत आ रही है उनको कोई प्रॉब्लम है उनकी कोई तकलीफ है उनका कोई ग्रीवियंस है उनको ये बात अपने मैनेजमेंट तक पहुंचानी है कैसे पहुंचाएंगे तो सुपरवाइजर्स के द्वारा तो सुपरवाइजर्स एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है एक कड़ी है जो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में है तो वर्कर्स की बात मैनेजमेंट तक पहुंचाना या मैनेजमेंट की कोई इंफॉर्मेशन वर्कर्स तक पहुंचाना ये सुपरवाइजर्स यहां पे आसानी से कर देते हैं थर्ड इंपोर्टेंस क्या कहता है कि सुपरवाइजर्स जो है ग्रुप यूनिटी बनाने में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्कर्स के बीच में कोई भी क्लैशेस ना हो वर्कर्स के बीच में कोई भी झगड़े ना हो एक टीम स्पिरिट बनी रहे सब मिलजुल कर यहाँ पे टारगेट्स को पूरे करने के लिए यहाँ पे जुटे रहे ये सारी चीजें सुपरवाइजर्स इंश्योर करता है साथ ही साथ ये वर्कर्स के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल होता है वर्कर्स से काम सही तरीके से करवा के लेना सही समय से करवा के लेना। कोई इंटरनल डिस्प्यूट है तो उसको तुरंत कंट्रोल करना सॉर्ट करना ये सुपरवाइजर का काम होता है राइट नेक्स्ट क्या है तो ये जो सुपरवाइजर्स होते हैं ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी हमने टारगेट सेट किए हैं एज अ कंपनी काम उसके मुताबिक हो राइट वर्कर्स यहाँ समय से आए समय से जाए समय से काम को करे प्रॉपर मेथड को फॉलो करे को करे करे प्रॉपर प्रोसेस को को फॉलो कोई भी को वेस्ट ना ये सारी चीजों का ध्यान या निगरानी कौन रखता है सुपरवाइजर रखता है नेक्स्ट इंपोर्टेंस क्या कहता है कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो एक तरीके से वर्कर्स को गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी यहाँ पे दे सकता है हमने लास्ट ही यहाँ पे चैप्टर में टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जॉब एंड ऑफ बार ऐसे होता है कि फैक्ट्री लेवल पे नए वर्कर्स होते हैं है, उनको काम शुरुआत शुरुआत में यहाँ पे दिक्कत देता है या शुरुआत शुरुआत में उनको काम को सीखने की जरूरत पड़ती है तो सुपरवाइजर्स का काम होता है वर्कर्स को ट्रेन करना उनको यहाँ पे जैसे मशीन कैसे चलाना है प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है रैपिंग कैसे करना है पैकेजिंग कैसे करना है मशीन बंद कैसे करना है ये बेसिक इंस्ट्रक्शन देके या बेसिक प्रोसेस की यहां पे ट्रेनिंग अपने वर्कर्स को देना नेक्स्ट क्या है तो सुपरवाइजरी लीडरशिप जो है एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्कर्स को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने में तो काफी बार जब भी चेंजेस को अडेप्ट करने की बात आती है या कंपनी कोई नई पॉलिसीज यहाँ पे अनाउंस करती है उसको एक्सेप्ट करने की बात आती है तो सुपरवाइजर्स ही वो लोग होते हैं जो वर्कर्स को इनके लिए कन्विंस करते हैं क्या होता है सुपरवाइजर्स और वर्कर्स के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती है अच्छी रिलेशनशिप होती है एंड डायरेक्ट कनेक्ट एंड कॉन्टेक्ट होता है तो एक तरीके से मुझे अगर वर्कर्स को कन्विंस करना है तो सुपरवाइजर्स बेस्ट पर्सन होंगे जो वर्कर्स को यहां पे कन्विंस कर सकेंगे साथ ही साथ अगर सुपरवाइजर यहाँ पे अच्छा है राइट तो एक अच्छा सुपरवाइजर का यह भी काम होता है अपने वर्कर्स पे नजर तो रखना साथ ही साथ कॉन्स्टेंटली उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे इवेल्युएट करना जब भी परफॉर्मेंसेस की बात आती है जब भी अप्रेजल्स की बात आती है जब भी इंक्रीमेंट देने की बात आती है बोनस देने की बात आती है तो कौन से वर्कर का परफॉर्मेंस कैसा रहा किसने बेटर किया किसने कम बेटर किया इसका सही यहां पे इनपुट देना ठीक है चलिए आगे आते हैं टू तो द नेक्स्ट जो कि है यहाँ पे मोटिवेशन अब देखिए बेटा मैं अगर यहाँ पे मोटिवेशन की बात करूं तो मोटिवेशन का एग्जैक्ट यहाँ पे मतलब क्या होता है मोटिवेशन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो मोटिवेशन का मतलब होता है स्टिम्युलेटिंग इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू द बेस्ट कैपेसिटी देखिए बच्चा मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी फोर्स नहीं की जा सकती है बट एक तरीके से मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर होता है जो कहीं ना कहीं एक वर्कर को यहां है आप कह सकते हो या एक वर्कर को यहाँ पे मजबूर करता है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप एक वर्कर को कहते हो कि देखिए अगर यहां पे आप इस प्रोजेक्ट में अच्छे से अच्छा काम करते हो हम आपको यहां पे प्रमोशन देंगे इस बार आप मैनेजर बन जाओगे अब वर्कर चाहता है कि वो भी मैनेजर बने उसका पोजीशन बढ़े उसका इंक्रीमेंट हो उसका सैलरी बढ़े उसको और यहां पे बेनिफिट्स मिले तो उस चीज को लेकर उस यहां पे ड्रीम को देखकर या मोटिवेशनल फैक्टर को देखकर वो यहां पे अपना हंड्रेड परसेंट बेस्ट डालने की कोशिश करेगा तो मोटिवेशन का मतलब होता है कि वर्कर्स को एक तरीके से यहां पे पुश करना कि वो अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी में कंपनी के लिए यहां परफॉर्म करे या काम करे याद रखना मोटिवेशन को आप वर्कर्स पे फोर्स नहीं कर सकते ये एक साइकोलॉजिकल फिनमिना है इसको फोर्स नहीं किया जा सकता और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि मोटिवेशन में जब आप वर्कर्स के साथ डील कर रहे हो हर एक वर्कर अलग होता है हर एक वर्कर की चॉइस अलग होती है हर एक वर्कर की यहाँ पे नीड्स एंड वॉन्ट्स यहाँ पे डिफरेंट होती है तो डिफरेंट वर्कर्स के डिफरेंट नीड्स एंड वॉन्ट्स को समझते हुए उनको यहाँ पे मोटिवेट करना या मोटिवेटेड रखना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, है, ठीक चलिए आगे जाते हैं यहाँ पे importance of motivation के ऊपर कि motivation क्यों यहां पे इंपॉर्टेंट है एक, अगर constantly motivated है, तो उनका जो performance है यहां पे होगा, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस देंगे और जाहिर सी बात है बेटर परफॉर्मेंस बेटर एफिशियंसी से कंपनी का तो बेनिफिट होगा ही होगा सेकेंड यहाँ पे पॉइंट कहता है कि मोटिवेशन कही कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड जो एम्प्लॉयज जो है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में यहाँ पे बदलने की कोशिश करते हैं ठीक है बहुत बार ऐसे होता है कि वर्कर्स को लगता है भाई मैं क्यों काम करूं मैं ज्यादा काम क्यों करूं मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या मुझे कुछ ज्यादा मिल रहा है क्या ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है ये मोटिवेशन से पॉजिटिव में बदल, बदल, सकता है जब हम वर्कर्स को बता सकते हैं कि देखिए आप काम कर रहे हो तो उसका आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा कल नहीं तो परसों मिलेगा जब भी परफॉर्मेंस अप्रिजर की बात आएगी प्रमोशन की बात आएगी तब आपको मिलेगा बट मिलेगा जरूर तो उनकी ये जो सोच है वो यहाँ पे बदलना नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या कहता है कि मोटिवेशन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय टर्न को भी रिड्यूस करता है अब बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम एम्प्लॉय टर्न बोले तो क्या ठीक है बेटा जब भी आपके इम्प्लॉय जो है कंपनी को बार 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 लीव करके चले जाते हैं ठीक है मतलब आपने नए एम्प्लॉयज को लाया एक दो तीन चार महीने काम किया चले गए वापस नए लेके आए वापस वो भाग गए दूसरे लेके आए वो भी भाग गए तो इसको कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर एम्प्ल टर्नओवर कंपनी के लिए नेगेटिव रिजल्ट लाता है क्योंकि एक तो बार बार स्टाफिंग करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम मेहनत और खर्चा हो जाता है उसके बाद आप उनको लाओगे ट्रेनिंग कराओगे यहाँ पे चीजें सिखाओगे सब कुछ करोगे दो चार महीने में वो चले जाएंगे वापस आप स्क्वायर वन पे वापस नया लेके आओ वापस समय डालो खर्चा करो टाइम डालो सब कुछ करो तो मोटिवेशन से यहां पे वर्कर्स जो है मोटिवेट होने के कारण यहां पे उनका एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो जाता है वो खुद विलिंगली एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे कंपनी के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है ठीक है नेक्स्ट बेटा यहां पे फैक्टर क्या है तो मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्न एंड साथ ही साथ यहां पे जो न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होता है रिपीटेटिव पॉइंट आ गया है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मोटिवेशन जो है हेल्प्स मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस टू चेंज बताया ठीक है देखिए बेटा एक चीज आप समझिए जब भी हमें लगता है कि हमें कुछ ज्यादा करना पड़ेगा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ज्यादा समय देना पड़ेगा तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको ना करें ह्यूमन टेंडेंसी है ये बट अगर एक अच्छा सुपीरियर होता है ना आपका एक अच्छा बॉस होता है एक अच्छा सुपरवाइजर होता है तो उसमें वो कन्विंसिंग एबिलिटी होती है उसमें वो यहाँ पे एक क्षमता होती है कि वो वर्कर्स को यहाँ पे समझा सके कि करना क्यों जरूरी है देखो जबरदस्ती करना अलग बात है जबरदस्ती से कोई भी काम यहाँ पे अच्छे से नहीं होता है तो मुझे वर्कर्स को पहले तो समझाना है कि चेंज हमने क्यों लाया क्यों ये जरूरी है वो उसको अपनाएंगे तो उससे उनका क्या फायदा होगा ये फैक्टर्स ही वर्कर्स को यहां पे मदद करेंगे कि वो चेंजेस को अपनाए ठीक है चलिए भाई यहां पे मोटिवेशन की अगर बात करें तो मोटिवेशन में नीड्स एंड वॉन्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे मैं बार बार लगातार एक चीज कहते आ रही हूं कि बेटा देखिए हर एक व्यक्ति की नीड और वॉन्ट अलग होती है तो हम सभी लोगों को सेम चीज दिखाकर मोटिवेट नहीं कर सकते अब जैसे मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ मान के चलिए कि कोई यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है फर्स्ट स्टैंडर्ड का है या जूनियर सीनियर का बच्चा है तो छोटे से बच्चे से जब हमें कुछ काम करवाना होता है मतलब पढ़ाई करवानी होती है या कुछ अच्छे मैनर्स सिखाने होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि देख अगर तूने ये किया ना हम ते को चॉकलेट ले देंगे अगर तूने ये किया ना हम तेको आइसक्रीम ले देंगे बट अगर मान के चलो कि कोई बच्चा है दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं का बच्चा है तो पेरेंट्स आपको ऐसे कहते हैं कि भाई तू ये कर हम तेरे को चॉकलेट ले देंगे नहीं फिर बात आ जाती है कि हम तेरे को ना फोन ले देंगे हम तेरे को ना पीएसपी -पी ले देंगे हम देखो न लैपटॉप ले देंगे हम ते को ये वाले जूते दे ले देंगे अब और बड़े हो जाओगे जैसे 21, 22, 25 साल के हो जाओगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ जाओगे ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाओगे तब मम्मी पापा बोलेंगे हम ते को बाइक ले देंगे ठीक है हम को एक्टिव ले देंगे तो यहां पे ये चीजें जो है कैसे बदलती है कैसे मैं वो दिन था जब आप चॉकलेट से मानते थे और आज आप कहोगे कि भाई मेरे को आईफोन चाहिए फिर आप बोलोगे मेरे को ये बाइक चाहिए है कि नहीं बिकॉज हम जैसे यहाँ पे एज फैक्टर कह लो या अपनी सेटिस्फैक्शन वॉन्ट्स को लेकर कह लो हमारी जो वॉन्ट्स है जो नीड्स है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है और फिर जो पुरानी चीजें हैं उससे मोटिवेट नहीं होते मतलब आपको कोई बोलेगा कि भाई ये करते कोई चॉकलेट मिलेगी तो आप उसके लिए मोटिवेट नहीं होने वाले उसके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करने वाले हो इन्हीं को इन्हींप्टो ने यहां पे मैस्लोस नीड हेरारकी करके एक यहां पर कंटेंट बनाया आप कह सकते हो जिसमें उन्होंने समझाया कि ह्यूमन नीड्स को फाइव लेवल्स में क्लासिफाई किया जा सकता है इसके लिए उन्होंने एक बेसिक सा यहां पे पिरामिड बनाया इस पिरामिड में उन्होंने ये five different levels of human needs को बताया। उनका मानना था कि तब तक एक वर्कर थर्ड पर नहीं जाता एंड सो ऑन मैस्को का कहना था कि जब भी फर्स्ट लेवल ऑफ नीड की बात करें ये मोस्ट बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होती है बेसिक नीड्स हमारी बेटा क्या होती है तो रोटी कपड़ा मकान ठीक है फूड क्लोदिंग शेल्टर एजुकेशन हेल्थ मोस्ट बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एक व्यक्ति जब भी नौकरी करता है जब भी कमाना शुरू करता है या जब भी नीड्स की बात होती है तो सबसे पहले वो चाहता है कि वो अपनी मोस्ट बेसिक नीड्स को यहाँ पे पूरी कर पाए पेट भर के खाना हो रहने के लिए छत हो पहनने के लिए कपड़े हो बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड कर पाए अगर बीमार पड़े तो मेडिकल एक्सपेंसिस यहाँ पे अफोर्ड कर पाए ये सबसे पहली मोस्ट बेसिक नीड्स होती है जो हर एक व्यक्ति चाहता है अब मान के चलिए कि वो उतना कमाना शुरू कर दिया कि वो अपनी बेसिक नीड्स यहाँ पे पूरी कर पा रहा है उतने पैसे है कि पेट भर के खाना है रहने के लिए घर है पहनने के लिए कपड़े है सब कुछ है फिर जाके वो सेकेंड लेवल ऑफ नीड्स में पे पे जाता है जो है जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स ठीक है जब मैं अपना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की बात करूं तो इसमें चाहे इमोशनल सिक्योरिटी हो चाहे फिजिकल सिक्योरिटी हो चाहे जॉब सिक्योरिटी हो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है एक बार बेसिक पूरी हो गई, तो हम चाहते हैं कि जगह पे काम करें जहाँ पे हमें जॉब सिक्योरिटी मिले जहाँ पे हमारी जॉब परमानेंट हो साथ ही साथ हम अपने फ्यूचर को यहाँ पे सिक्योर करने की कोशिश करते हैं हेल्थ इंश्योरेंसेस लेना लाइफ इंश्योरेंसेस लेना टर्म इंश्योरेंसेस लेना इसके ऊपर यहाँ पे फोकस करना तो एक बार मेरी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो गई तो मैं लेवल ऑफ नीड के ऊपर फोकस करना शुरू करूंगी जहां पे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की बात करो अपने हेल्थ को सिक्योर करने की की बात बात करो करो एक स्टेबल जॉब जॉब सिक्योरिटी वाली ढूंढने इसके ऊपर आप फोकस करोगे राइट चलो सेकेंड नीड भी पूरी हो गई आपको एक परमानेंट जॉब मिल गया आपने अपना फ्यूचर भी अच्छा खासा यहाँ पे सिक्योर कर लिया फिर आप थर्ड नीड पे जाओगे जो कि है यहाँ पे नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस ठीक है देखो बेटा आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि ह्यूमंस जो है उनको हम सोशल एनिमल्स कहते हैं इंसानों को सोशलाइज करना लोगों से बातचीत करना लोगों से रिश्ते बनाना दोस्ती करना यारी करना बहुत ही पसंद है तो यहाँ पे जैसे हमारी सेकेंड लेवल ऑफ नीड पूरी हो जाती है फिर हम डेवलप करना कलीग्स के साथ बाहर जाना घूमने जाना घूमने करना बनाना, बनाना, करना रिलेशंस बनाना बनाना दोस्त बॉन्डिंग इसके ऊपर हम यहां पे फोकस करते हैं ठीक है तो लव एफेक्शन फ्रेंडशिप केयर ये सारी चीजें इस लेवल पे आ जाती है ये भी लेवल मान के आपका सेटिस्फाई हो गया तब जाके आप यहाँ पे फोर्थ लेवल पे जाते हो जो कि है यहाँ पे एस्टीम ठीक है जब भी वो टाइम मैं यहाँ पे एस टी नीड्स की बात करती हूं तो एस टी नीड्स जो है एक व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट उसका जो ईगो सेटिस्फेक्शन है उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करती है एक पोजीशन चाहिए मुझे एक इज्जत चाहिए मुझे एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए लोग मुझे यहाँ पे सलाम करें लोग मुझे यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोले लोग मुझे यहाँ पे नमस्ते करें ये एक नीड होती है जहां पे हम अपनी ईगो को अपने सेल्फ एस्टीम को यहाँ पे सेटिसफाई करते हैं राइट right? तो मेरे पास सारी चीजें हैं अब बेसिक नीड्स है सोशल सिक्योरिटी है दोस्त है ग्रुप्स है बहुत सारे मेरे यहाँ पे ग्रुप्स है सब कुछ है अब मुझे चाहिए कि मैं एक पोजीशन पे आऊ जहां पे मुझे इज्जत मिले जहां पे मुझे रेस्पेक्ट मिले जहाँ मुझे जाने लोग मुझे पहचाने ये नीड मेरी पूरी होनी चाहिए ये भी नीड पूरी हो गई फिर आता है द तो लास्ट एंड द फाइनल स्टेज जो कि है यहां पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ठीक है यहां पे बड़े की, अगर मैं बात करूं करू हाइएस्ट लेवल होती है जहां पे एक व्यक्ति कहता है कि चलो ठीक है मेरा अब जिंदगी का पर्पस पूरा हो गया मैं जो चाहता था या चाहती थी मुझे सब कुछ मिल गया सब कुछ मैंने पा लिया और अब मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है यहाँ पे पूरा हो गया इसको क्या कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यहाँ पे कहते हैं ठीक है थीके?

इसको हम कहते हैं रेम्यूनरेशन पर क्या यही चीजें काफी है बस इसको लेकर आप मोटिवेट हो जाओगे बस मेरे को सैलरी मिल रही है तो दिन रात में काम करूंगी दिन रात एक करके मैं काम करूंगी नहीं एक वर्कर को अगर हम मोटिवेट करने की बात करें मैं चाहता हूं कि कोई भी चाहती हूं कि कोई भी एक वर्कर यहां पे मोटिवेट हो तो मोटिवेट करने के कई सारे तरीके हैं कुछ तरीके ऐसे हैं जहाँ पे वर्कर्स को मॉनेटरी बेनिफिट दिखाकर पैसों का लालच यहाँ पे दिखाकर बेनिफिट दिखाकर मोटिवेट करते हो जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव हर वो इंसेंटिव होता है जो एक वर्कर को मॉनेटरी बेनिफिट देता है या आप इनको मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो उसके अगेंस्ट जो सेकेंड यहाँ पे कैटेगरी है उसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में हर वो इंसेंटिव होता है या हर वो चीज होती है जिसमें आप मॉनिटरी मेजर नहीं कर सकते या मॉनिटरी वैल्यू इसकी यहां पे मेजर नहीं की जा सकती ठीक है सबसे पहले अगर मैं फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करूं जिसको इस्तेमाल करके आप यहाँ पे वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हो तो उसमें पहली चीज आती है, चीज़ है wages, पे एंड अलाउेंसेज ये मोस्ट बेसिक चीज है सैलरी एंड वेजेस जिससे एक वर्कर यहाँ पे मोटिवेट हो जाता है तो अगर आप अच्छी सैलरी दे दो अच्छे वेजेस दे दो बहुत आम बात होती है कि इन चीजों को लेकर वर्कर्स का मोटिवेट होना एंड बेस्ट ऑफ द एफिशंसी के साथ यहाँ पे काम करना उसके बाद जो सेकेंड चीज यहाँ पे आती है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग किस तरीके से काम करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है वो अपना एक प्रॉफिट लिमिट यहाँ पे सेट करती है मान के चलो कंपनी कहती है कि हम देखिए यहां पे हर साल आठ से नौ करोड़ का प्रॉफिट पे कमाता है है ठीक इस साल मान के चलिए कि हमने दस करोड़ का प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर गए तो जितना भी दस करोड़ से ज्यादा कमाएंगे सब आपका आपका मतलब में हम उसको बांट देंगे राइट right? तो के चलिए कंपनी ने प्रॉफिट किया बारह करोड़ का दो तो एज प्रॉमिस दस करोड़ का प्रॉफिट वो साइड में रखेंगे बच्चे जो दो करोड़ है उसको एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो एडिशनल हमें प्रॉफिट मिला है जाहिर सी बात के एफर्ट्स के कारण यहाँ पे मिला है तो उनको एज अ प्रॉफिट शेयरिंग एक एडिशनल मॉनिटरी बेनिफिट या रिवॉर्ड दिया जाता है अब बच्चे पूछते हैं कि मैम जब भी प्रॉफिट शेयरिंग होती है सब में इक्वली बांटा जाता है नहीं यहाँ पे पोजीशन वाइज लेवल्स वाइज, यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बट डिस्ट्रीब्यूट सबके साथ यहां पे किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्या है तो दैट इज को पार्टनरशिप या तो स्टॉक ऑप्शन या तो आप ESOP भी इसको कह सकते हो दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ठीक है एम्प्ल स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है देखो बेटा आप कोई भी एम्प्लॉय को सैलरी वेजेस दे दो प्रॉफिट में है तो वो एम्प्लॉय ही बट अगर आप एक एम्प्लॉय को एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस देना चाहते हो आप उसको एक फीलिंग देना चाहते हो कि कंपनी का हिस्सा है ओनर है अहम हिस्सा है कि वो इसको अपनी कंपनी समझ के काम करे तो इस केस में आपको उस एम्प्लॉय को ऑफर करना होता है स्टॉक ऑप्शन या तो पार्ट ऑफ शेयर इस इंसेंटिव में कंपनी क्या करती है तो कंपनी के जो भी शेयर है मार्केट से कई गुना कम प्राइस पे यहां पे एंप्लॉयज को ये शेयर दिए जाते हैं एम्प्लॉज एक बार अगर इस शेयर को ले ले या इसको एक्सेप्ट कर ले तो जाहिर सी बात है वो बन जाते हैं शेयर होल्डर अब शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी तो एक तरीके से वो बस एम्प्लॉयज बन के नहीं रह जाते कंपनी भी यहां पे बन जाते हैं तो प्रॉफिट के इसमें भी उनका हिस्सा हो जाता है ऑटोमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स ठीक है नेक्स्ट क्या है तो दैट इज बोनस अब यहां पे बोनस की बात करो तो जनरली ये ईयरली डिक्लेयर होता है ठीक है बोनस क्या होता है तो बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी आपको कह देती है कि देखिए दस लाख तो आपकी सैलरी है जो आपको यहां पे साल भर में मिलेगी उसके अलावा दो लाख आपका वेरिएबल बोनस है पूरे साल में आपने जो काम किया कैसा काम किया कैसा परफॉर्मेंस किया उसके बेसिस पे साल के अंत में हम आपको डिक्लेयर करेंगे कि दो लाख में से कितना आपको देना है कितना नहीं देना है मतलब कितना बोनस देना है कितना नहीं देना है अब कंपनी के हाथ में कि दो लाख में से आपको दो हजार भी दे सकते हैं दो लाख में पूरे दो लाख भी दे सकते हैं तो इसको हम कहते हैं बोनस ये योर सैलरी आपको एडिशनल मॉनेटरी अमाउंट आपको मिलता है ठीक है नेक्स्ट क्या है तो उसको हम कहते हैं कमीशन अब कमीशन जो है जनरली जो सेल्स पर्सन होते हैं उनके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है कमीशन किस तरीके से काम करता है तो मान के चलिए एक सेल्स पर्सन है हर एक सेल्स पर्सन जनरली टारगेट बेसिस पे यहाँ पे काम करता है तो मैंने एक सेल्स पर्सन को यहां पे टारगेट दिया दिया हुआ है कि आपको एक हफ्ते में हंड्रेड यूनिट्स को सेल करना है उसके ऊपर आपने जितना भी सेल किया मान के चलो आपने 110 किया मतलब 110 यूनिट्स किया तो 10 यूनिट ज्यादा किया तो ये जो एडिशनल 10 यूनिट्स है उसका मैं आपको यहां पे परसेंटेज दे दूंगी मतलब कमीशन दे दूंगी ठीक है नेक्स्ट क्या है तो दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव ठीक है

जो कम काम करेगा उसको हम यहां पे कम पैसे देंगे मतलब मान के चलिए कोई वर्कर है हमने उसको दस कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने का टारगेट दिया है दस बॉक्स बनाया तो पचास रुपया पर बॉक्स के हिसाब से देंगे दस से ज्यादा बनाया तो साठ रुपया पर बॉक्स के हिसाब से देंगे दस से कम बनाया तो चालीस रुपया पर बॉक्स के हिसाब से देंगे ठीक है है तो यहाँ पे ये जो इसका मेन पर्पस होता वर्कर्स को यहाँ पे मोटिवेट करने का होता है कि वो अपनी बढ़ाए ज्यादा से ज्यादा पे काम कम से कम समय में करने की कोशिश करें उसके बाद जो नेक्स्ट है अब बात करूं, तो जो भी आपका यहाँ पे पेंशन होते हैं या फिर आप कह सकते हो जो भी आपका यहाँ पे ग्रेचुअटी होता है ठीक है दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट जहाँ पे एक इम्प्लॉय रिटायर होने के बाद काम नहीं कर सकेगा तो भी उसकी एक रेगुलर यहाँ पे इनकम होगी जिससे उसका सर्वाइवल हो सकता है तीनों का मतलब सेम है बस नाम यहाँ पे तीन है पर्कस फ्रेंच बेनिफिट क्या होते हैं तो एडिशनल बेनिफिट जो ओवर एंड अब योर सैलरी आपको यहाँ पे मिलता है बहुत सिंपल भाषा में जब भी मैं पर्स को यहाँ पे समझाती हूँ एक ही चीज यहाँ पे कहती हूँ कि एम्प्लॉय का कोई भी ऐसा खर्चा जो वैसे तो एम्प्लॉय पे करेगा बट कंपनी कहती है कि भाई तू रहने दे मैं पे कर देता हूं जिससे आपके पैसे बच जाते हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्स जैसे मान के चलो कंपनी ने आपको यहाँ पे फ्री कार अलाउंस दे के रखा है आपके घर से ऑफिस जाने के लिए गाड़ी ऑफिस से घर वापस आने के लिए गाड़ी विदाउट एनी चार्जेस फ्री है अगर वो कंपनी ना देती तो आप तो घर से ऑफिस ऑफिस से घर तो आते तो आपका तो खर्चा होता कार में नहीं आते तो कैब में जाते कैब में नहीं जाते तो ऑटो में जाते बट जाते तो सही ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कॉस्ट तो होता ये कंपनी ने बेर किया मान के चलिए कंपनी कहती है कि आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री या आपको फ्री मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी तो भाई यहां पर आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते आपका खर्चा होता ना आपके बच्चे तो आप स्कूल भेजते तो फीस तो भरते ना आपके बदले कंपनी ने किया तो एनी कॉस्ट जो एम्प्लॉय इनकर करने वाला था बट उसके बदले कंपनी ने पे किया दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्क्स पर्कसाइड या फ्रेंच बेनिफिट्स ठीक है इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो ट्रैवल अलाउंस ठीक है आप लिख सकते हो फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन एक्सेट्रा ठीक है हाउसिंग अलाउंस लिख सकते हो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है ठीक है चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द सेकंड पार्ट ऑफ इंसेंटिव्स जो कि है यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कोई भी ऐसे इंसेंटिव जिसको मनी टर्म्स में तोला नहीं जा सकता मनी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है यहाँ पे स्टेटस ठीक है बेटा यहाँ पे मैं अगर स्टेटस की बात करूं तो स्टेटस मतलब क्या तो एक रेप्यूटेशन जो आपके जॉब के साथ आती है अब बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको एक स्टेटस चाहिए होता है उनको चाहिए होती है कि उनकी एक हायर पोजीशन है और जहां पे उनकी अंडर लोग काम करे वो बॉस हो वो सुपीरियर हो तो काफी लोग इस स्टेटस के लिए भी यहां पे मोटिवेट हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट देखिए बेटा हर एक एम्प्लॉय चाहता है हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे जहां का ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है सराउंडिंग है वो अच्छा हो गुड वर्किंग कंडीशन हो वहां पे झगड़े ना हो किटिक वर्क एनवायरमेंट ना हो पॉलिटिक्स ना हो सब स्मूथ फंक्शनिंग करे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे एज अ टीम यहाँ पे काम करे थर्ड यहाँ पे क्या है तो उसको हम कहते हैं करियर एडवांसमेंट तो कंपनीज ऐसी भी होती है जो आपको एडिशनल ट्रेनिंग देके एडिशनल सेमिनार्स वर्कशॉप्स कंडक्ट करके आपको बहुत सारे ऐसे एडिशनल स्किल्स सिखाती है बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ पे सिखाती है जिससे एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी आपका ग्रोथ हो सके आपका यहाँ पे आप भी खुद को डेवलप कर सको और आप भी अपने करियर में आगे जा सको नेक्स्ट है यहाँ पे जॉब एनरिचमेंट या तो एक चैलेंजिंग जॉब असाइन करना बहुत बार ऐसे होता है कि हम रिपीटेटिव सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम काम बार बार लगातार करते हुए यहां पे बोर हो जाता है तो हम एम्प्लॉयज को जब चैलेंजिंग जॉब देते हैं जब एक ऐसा काम देते हैं जो डिफिकल्ट है जो चैलेंजिंग है जो करने में उनको आता है बड़ा मजा बड़ा इंटरेस्ट आता है तो ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है नेक्स्ट यहाँ पे एम्प्लॉयज रिकोग्निशन बहुत बार आपने देखा होगा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ एम्प्लॉय ऑफ द ईयर स्टार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो ये क्या है एम्प्लॉय को दे रिकॉग्निशन देना एक पहचान देना जहां पे लोग भी उनके काम को समझे लोगों को भी उनके एफर्ट्स के बारे में पता चले याद रखना है ये जो एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन है कहीं ना कहीं जो एस्टीम नीड्स नीडी यहाँ पे मैस्लोस पिरामिड में नीड पिरामिड में वो यहाँ पे सेटिस्फाई करती है राइट नेक्स्ट है यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी इसको पे एक परमानेंट जॉब देना जॉब सिक्योरिटी देना देखिए बेटा बहुत बार ऐसे होता है कि हम वर्कर्स को टेम्परिरी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब देते हैं अब इसमें एक डर सा लगा रहता है कि भाई कभी भी नौकरी जा सकती है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया रिन्यू नहीं किया फिर क्या नेक्स्ट ईयर क्या तो इंप्लाइज को एक जॉब सिक्योरिटी देना कि भाई आप परमानेंट हो आपको कोई टेंशन नहीं है आप आराम से अपने काम के ऊपर फोकस करते रहिए हाँ, ये काफी बार होता है रिवर्स की सिनारियो भी कि आप परमानेंट कर दोगे जॉब सिक्योरिटी दे दोगे तो इंप्लाई एकदम ऐसा ढीला हो जाएगा कि भाई अब तो अपनी नौकरी पक्की आप जो चाहे वो यहाँ पे मन मर्जी से करो तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ठीक है नेक्स्ट क्या है तो दैट इज एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज के सजेशंस को वेलकम करना उनको एक फ्रीडम देना कि जब भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो तो हम उनको बताएं हम उनको यहाँ पे समझाएं कि हम क्या करना चाह रहे हैं उनके अगर कोई सजेशंस है कोई आइडियाज है कुछ वो कहना चाहते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनके सजेशंस आइडियाज़ को वेलकम करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है ऑटोनॉमी जिसका मतलब होता है फ्रीडम टू पे मैं एक को फ्रीडम दे रही टू मेक देयर डिसीजन तो उनको अथॉरिटी दी गई ठीक है तो ये सारे जो इंसेंटिव है yes, ये भी मोटिवेशनल फैक्टर्स है इवन दो यहाँ पे पैसा इंक्लूडेड नहीं है या तो हम मॉनेटरी टर्म्स में ये बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं ठीक है, है? चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है यहाँ पे लीडरशिप छोटा सा एलिमेंट है प्यारा सा एलिमेंट है और सिंपल एलिमेंट भी है लीडरशिप की बेटा अगर यहां पे बात करें तो लीडरशिप यहाँ पे क्या है तो जो भी लोग होते हैं उनके बिहेवियर को यहाँ पे इंफ्लुएंस करना बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना मतलब क्या काफी बार लीडर कौन होता है ऐसा व्यक्ति जिसको लोग अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं जो वो कहते हैं उसको समझते हैं उसको मानते हैं उनकी इज्जत करते हैं जो वो कहते हैं उसको फॉलो करते हैं तो लीडरशिप वही होती है लीडरशिप का या लीडर का काम होता है कि जो भी उनके फॉलोवर्स है उनको उस तरीके से गाइड करना उस तरीके से यहाँ पे उनसे काम करवाना कि जो भी कंपनी के स्पेसिफिक गोल्स हो वो यहाँ पे अचीव हो सके और यहाँ पे काम जोर जबरदस्ती से नहीं कराया जाता जो फॉलोवर्स है वो खुद अपने लीडर का बात मानते हैं वॉलेंटरीली उनको फॉलो करते हैं राइट right? अगर मैं टाइप्स ऑफ लीडर्स की बात करूं तो जनरली थ्री कैटेगरीज ऑफ लीडर्स यहाँ पे होती है सबसे पहले है ऑटोक्रेटिक जिसको यहां पे आप एक तरीके से ऑथोरिटेटिव लीडर भी कह सकते हो ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेटिव लीडर वो लीडर होता है जो जो हमेशा कहता है जो मैं कहूं वो सही कोई कोई सजेशंस वेलकम नहीं नहीं करता की कोई बात सुनता बस यहाँ पे कहता है भाई मैंने जो बोला ना वही यहाँ पे सही है फुल एंड फाइनल है ना मुझे आपकी सुनिए ना मुझे आपके यहाँ पे सजेशन चाहिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है कान एबसल्यूटली हिटलर ठीक है सेकेंड क्या है तो वो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या तो इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहा जाता है दोनों नाम याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जैसे कि नाम कहता है डेमोक्रेटिक या तो पार्टिसिपेटिव ये एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है या एक ऐसा लीडर है जहां पे वो अपने एम्प्लॉयज को इंपॉर्टेंट मानता है कोई भी डिसीजन लेने के पहले एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करना उनके सजेशन देना उनके सजेशन को सुनना दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप आज के जमाने में आप चाहे मुकेश अंबानी की बात करो आप चाहे रतन टाटा जी की बात करो आप चाहे यहाँ पे कोई भी बड़े कंपनी के लीडर्स की बात करो आज के जमाने में ज्यादातर डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप यहाँ पे फॉलो की जाती है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे क्या है तो दैट इज जिसको यहाँ पे भी कहा जाता है वो कहते हैं कि देखिए काम आपका डिसीजन आपका जो आपको सही लगे वो आप करो हाँ जब आप अटक जाते हो जब भी आपको मेरी जरूरत लगती है तब आप मेरे पास आ सकते हो बाकी तब तक मेरा कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगा ठीक है चलिए तो थ्री मेन साइज ऑफ लीडरशिप है तीनों को आपको याद रखना है तीनों के जो डबल डबल नाम है वो भी आपको यहां पे याद रखने हैं अडोल्फ हिटलर जो है वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोक्रेटिक या अथोरिटेटिव लीडरशिप है ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है ठीक है चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि ऐसा क्वेश्चन है सीबीएसई में नहीं कराया गया था जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर लीडर बनना है लीडर बनना है लीडर बनना है बहुत लोगों को लीडर बनना होता है जो आप में होनी चाहिए सबसे पहली क्वालिटी वो है फिजिकल फीचर्स। आप फिजिकल फीचर्स का मतलब गोरा चिट्टा यहां पे होना चाहिए भाई मेरे ऐसा नहीं है पर जब भी मैं फिजिकल फीचर या फिजिक की बात करती हूं तो एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए जहां पे अगर एक लीडर आए ठीक है उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है एक पॉस्चर होता है पोजीशन होती है कि वो जब आते हैं इस स्टेज पे खड़े रहते तो उनका उतना पावर उतना रुतबा होता है ये होना जरूरी है नेक्स्ट क्या है तो दैट इज नॉलेज देखो बेटा लीडर आप तब बन सकते हो जब दूसरों से ज्यादा नॉलेज आपके पास हो तो इनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए चीजों के बारे में पता होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए अप टू डेट यहां पे इंफॉर्मेशन के बारे में वो हमेशा होने चाहिए तो तो और चीज़ क्या क्या है इंटीग्रिटी तो इंटीग्रिटी का मतलब तो इनमें एथिक्स भी भी ऐसे लीडर्स नहीं होने चाहिए नेक्स्ट क्या है तो दैट इज इनिशियटिव लीडर वो होता है जब मौका देखे जब अपॉर्चुनिटी देखे तो किसी के लिए रुके नहीं किसी को पूछे नहीं खुद इनिशिएटिव लेके यहां पे काम की शुरुआत करे नेक्स्ट क्या है तो दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बातों को समझाना अपने आइडियाज को लोगों के सामने रखना अपने इनोवेशन को समझाना इसके लिए चाहिए होती है कम्युनिकेशन स्किल्स कोई भी दुनिया का लीडर देख लो सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आप उनमें पाओगे राइट नेक्स्ट क्या है तो दैट इज मोटिवेशनल स्किल्स लीडर वो होता है जो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सके जो अपने फॉलोअर्स को कन्विंस कर सके जो अपने फॉलोअर्स को फॉलो करवा सके और इस तरीके से कि कंपनी के गोल्स अचीव हो सके नेक्स्ट यहां पे स्किल क्या है तो दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस लीडर ऐसा होता है जो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट है लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं हो पाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, बट वो टस से मस नहीं होगा उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि भाई हम तो करके दिखाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्या है तो दैट इज डिसनेस एक नया वर्ड है बट डिसने का मतलब क्या होता है तो बार बार अपने डिसीशन को वो नहीं बदलते देखिए बेटा लीडर वो होता है जिसने एक बार ठान ली जिसने एक बार बोल दिया जिसने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो बार बार अपनी बातों से पलटना बार बार अपने डिसीजन को बदलना ये नहीं होता है वो कहता है ना अपनी जुबान से हम नहीं पलटते एक बार जुबान दे दी तो बस दे दी ये एक लीडर होता है ठीक है लास्ट बट नॉट लीज दैट इज सोशल स्किल्स लीडर्स हमेशा यहाँ पे लोगों के साथ सोशलाइज करना मिलजुल के रहना ग्रुप्स में रहना लोगों के साथ बात करना रिलेशनशिप्स बिल्ड करना बॉन्डिंग बिल्ड करना ये एक लीडर का हमेशा काम होता है ठीक है तो अच्छा लीडर बनना है तो बहुत सारी डिफरेंट क्वालिटीज आपको चाहिए इनसे भी कई गुना ज्यादा बट ये बेसिक क्वालिटीज है जो हर एक लीडर में यहाँ पे पाई जाती है ठीक है

कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है तो एक है आपका सेंडर एंड दूसरा है आपका यहां पे रिसीवर सेंडर कौन होता है तो वो व्यक्ति जो यहां पे मैसेज पहुंचाने का काम करता है रिसीवर कौन होता है तो वो व्यक्ति जो सामने वाले का मैसेज सुनता है या सामने वाले मैसेज को लेता है यहाँ पे जब मैं कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज होती है चाहे वो आइडिया हो कोई मैसेज हो कोई बात हो कोई इंफॉर्मेशन हो ठीक है मैसेज या इन्फ्लेशन नहीं भाई इंफॉर्मेशन इन्फ्लेशन कहां से तो आ गया ठीक है चलिए इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस हो जो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज होती है याद रखना टू मिनिमम यहाँ पे नंबर है जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए मिनिमम टू पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व होनी चाहिए दो से ज्यादा हो सकती है बट दो से कम नहीं हो सकती है जो भी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है याद रखना इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज होता है अब क्या एक्सचेंज होता है तो वो कोई मैसेज हो सकता है वो कोई यहां पे इंफॉर्मेशन हो सकती है कोई बात हो सकती है कोई आइडिया हो सकता है एक्सेट्रा ठीक है चलिए यहां पे कम्युनिकेशन को अगर आप बेहतर समझना चाहते हो तो कम्युनिकेशन के टाइप्स को यहां पे पहले सबसे पहले समझ लीजिए देखिए मेरे दोस्त दो मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल इनफॉर्मल काम को लेकर जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत होती है चाहे वो इंस्ट्रक्शंस देना हो चाहे वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देना हो चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे वो मेथड्स को इंफॉर्मेशन देना हो चाहे वो यहां के वेलकम करना हो चाहे कोई पॉलिसी यहां पे बतानी हो कोई भी अगर यहाँ पे ऑफिस में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम को लेकर बात होती है ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है तो उसको यहाँ पे क्या कहता है क्या कहते हैं उसको यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं याद रखना ये हमेशा एक ऑफिशियल प्लेस एक ऑफिशियल जगह एक ऑफिस एक कंपनी एक फॉर्म में यहाँ पे कैरी आउट होगा ठीक है फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को बेसिकली यहाँ पे तीन डिफरेंट सब कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है कैटेगरीज को बहुत इजीली यहाँ पे समझा देती हूँ सारे के सारे पॉइंट्स को विथ वन सिंगल एग्जाम्पल ठीक है मान के चलिए कि यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स हैं एक है आपका यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट दूसरा है आपका यहाँ पे एच आर डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है चलो भाई कलर चेंज कर लेते हैं कलर कलर व्हिच कलर डू यू वांट? आई वांट वाइट चलो ठीक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वी हैव अ मैनेजर उसके अंडर हमारा है एक असिस्टेंट मैनेजर ठीक है सिमिलरली एचआर डिपार्टमेंट में वी हैव मैनेजर एंड उसके अंडर है हमारा एक असिस्टेंट मैनेजर ठीक है अब मान के चलिए मान के चलिए मान के चलिए कि यहां पे जो मार्केटिंग मैनेजर है उसको कोई इंस्ट्रक्शंस अपने सबोर्डिनेट अपने असिस्टेंट को देना है मैनेजर यहां पे सुपीरियर है जो असिस्टेंट मैनेजर है वो हो गया उसका सबॉर्डिनेट उसके अंडर काम करता है उसका यहां पे जूनियर है तो अगर सुपीरियर सब को इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो मतलब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त इसको हम यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे ठीक है वही अगर रिवर्स की सिनेरियो है जहां पे असिस्टेंट मैनेजर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फीडबैक देना चाह रहा है मैनेजर को तो इस केस में सुपीरियर को इंफॉर्मेशन जा रही है सबोर्डिनेट से मतलब नीचे से ऊपर जा रही है तो इसको हम यहां पे क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन सुपीरियर तो ट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन सुपीरियर टू सबिनेट जा रहा है तो डाउनवर्ड सबिनेट टू सुपीरियर जा रहा है तो अपवर्ड ठीक है तो पहला हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड हो गया अब बात आती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की तो बेटा देखिए जब भी कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेम लेवल्स होता है अब मान के चलिए यहां पे जो मार्केटिंग मैनेजर है और जो एचआर के मैनेजर है इन दोनों के बीच में यहां पे कोई डिस्कशन होना है इन दोनों के बीच में यहां पे कोई डिस्कशन होना है अब दोनों यहां पे मैनेजर्स हैं मतलब दोनों यहां पे सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम यहां पे हॉरिजॉन्टल क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे ठीक है तो यहां पे चलो हॉरिजॉन्टल भी हो गया अब बात आती है यहां पे डायगोनल Communic कम्युनिकेशन की तो देखो बेटा डायगोनल कम्युनिकेशन कैसे होता है जब एक डिपार्टमेंट का सुपीरियर दूसरे डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट के साथ एक डिपार्टमेंट का सुपीरियर दूसरे डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करे तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम यहां पे डाइगनल कम्युनिकेशन कहते हैं क्योंकि सुपीरियर सब तो है बट वो वर्टिकल हो जाता यहाँ पे डिपार्टमेंट्स अलग है इसीलिए क्या हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया बहुत ही सिंपल तरीका है इसको यहाँ पे याद रखने का ठीक है चलिए भाई जाते हैं आगे टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो सीटी में नहीं था मेरे दोस्त इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से इसको ध्यान में रखना है याद रखना है सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे की बात तो पहला पे 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 आता है है मेरे दोस्त आपका single chain communication। बहुत है। single chain communication के अगर अगर बात बात कर रही तो ये जो कम्युनिकेशन है एक सुपीरियर और सबोर्डिनेट के बीच में यहां पे होता है कोई भी कम्युनिकेशन जो सुपीरियर टू सबिनेट सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट होता है तो उसको हम कहते हैं सिंगल चेन कम्युनिकेशन जैसे यहां पे मान के चलिए ए सुपीरियर है उसने अपने सब बी को कोई इंफॉर्मेशन दिया बी ने सी को दिया सी ने डी को दिया डी ने ई e को दिया यहाँ पे ए सुपीरियर है बी सबऑर्डिनेट है बी सुपीरियर है सी सबऑर्डिनेट है सी सुपीरियर है उसका डी सबऑर्डिनेट है डी सुपीरियर है तो उसका ई e सबऑर्डिनेट है तो इसको क्या कहते हैं सिंगल चेन कम्युनिकेशन कहता है सुपीरियर सब के बीच में कम्युनिकेशन होता है ठीक है आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है यहाँ पे व्हील कम्युनिकेशन व्हील कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक सुपीरियर है अब देखिए एक सुपीरियर के अंदर एक सब तो नहीं होता है ना जरूरी ऐसा नहीं है तो सुपीरियर के अंदर जितने भी सब ऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे उनके साथ कम्युनिकेट करे तो उसको कहते हैं व्हील कम्युनिकेशन एग्जाम्पल से समझाऊंगी इजिली समझ में आ जाएगा ठीक है मान के चलिए कि ये आपका व्हील है व्हील के सेंटर में है आपके यहां पे सुपीरियर व्हील के सेंटर में कौन है तो यहां पे आपके सुपीरियर है यहां पे ए बी सी और डी इस सुपीरियर के सबॉर्डिनेट है तो ए बी सुपीरियर से कम्युनिकेट करेगा डी भी सुपीरियर से कम्युनिकेट करेगा सी बी सुपीरियर से कम्युनिकेट करेगा बी भी सुपीरियर से कम्युनिकेट करेगा तो सुपीरियर सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन है हर एक सबोर्डिनेट यहाँ यहां सुपीरियर से सुपीरियर से सुपीरियर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं व्हील कम्युनिकेशन कहता है, है। जहां पे हर एक सबोर्डिनेट जो है एक सिंगल सुपीरियर है जो सेंटर ऑफ द व्हील है बस उसी के साथ यहां पे कम्युनिकेट करेगा ठीक है नेक्स्ट क्या है बेटा तो नेक्स्ट यहां पे है आपका सर्कुलर कम्युनिकेशन जब भी मैं सर्कुलर कम्युनिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है उसके बाजू के दो व्यक्ति के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है एक एग्जाम्पल यहां पे देते हो ठीक है मान के चलिए यहां पे वी हैव ए बी है ठीक है ये आपका सी है दिस इज ई एंड दिस इज एफ ठीक है अब देखो बेटा अगर मैं कहती हूं ए तो ए बी से बात कर सकता है एफ से बात कर सकता है अगर मैं कहती हूं बी तो बी सी से बात कर सकता है बी ए से बात कर सकता है अगर मैं कहती हूं सी तो सी बी से बात कर सकता है सी ई तो से बात कर सकता है ठीक है अगर मैं कहती हूं ई तो ई सी से बात कर सकता है ई एफ से बात कर सकता है अगर मैं कहती हूं एफ तो वो ए से बात कर सकता है और ई e से बात कर सकता है तो हर एक व्यक्ति उसके बाजू के दो व्यक्ति है उससे बात कर सकता है जैसे अगर ए की बात करो तो बी और एफ से वो बात कर सकता है तो इसको क्या कहते हैं सर्क्यूलर कम्युनिकेशन कहते हैं क्योंकि ये देखो एक सर्कल के तौर पे यहां पे फॉर्म होता है ठीक है सर्क्यूलर यहां पे फ्लो बेसिकली होता है राइट उसके बाद यहाँ पे जो है दैट इज योर नेक्स्ट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री फ्लो कम्युनिकेशन ए फ्री फ्लो कम्युनिकेशन में कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात कर सकता है जैसे अगर मैं यहाँ पे ए का एग्जाम्पल लू तो ए देखो सी से बात कर सकता है ए यहाँ पे डी से भी बात कर सकता है ए यहाँ पे बी से भी बात कर सकता है ए यहाँ पे ई e से भी बात कर सकता है तो हर एक व्यक्ति बाकी सारे व्यक्ति से बात कर सकते हैं तो उसको यहां पे फ्री फ्लो कम्युनिकेशन कहते हैं ठीक है चलिए उसके बाद यहां पे आता है नेक्स्ट जो कि है इनवर्टेड वी इनवर्टेड वी में क्या होता है तो हर एक जो सबोर्डिनेट है वो उसके बॉस और बॉस के बॉस के साथ यहां पे बात कर सकता है एक एग्जाम्पल देती हूँ मान के चलिए यहां पे दो सबॉर्डिनेट है ए और बी ठीक है सी जो है ए एंड बी का सुपीरियर है सी जो है ए एंड बी का सुपीरियर है सी का सुपीरियर कौन है तो डी मतलब ए और बी का सुपीरियर सी है सी का बॉस कौन है डी तो ए अपने बॉस सी से भी बात कर सकता है और ए जो है अपने बॉस के बॉस डी से भी बात कर सकता है मतलब आप दो अपर लेवल सुपीरियर से बात कर सकते हो आपके बॉस से भी बात कर सकते हो बॉस के बॉस से भी बात कर सकते हो यहां पे अगर एक एग्जाम्पल लेना चाहो तो मान के चलिए यहां पे एक मैनेजर है उसके अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर है और उनके अंदर एक टीम लीडर है तब टीम लीडर अपने असिस्टेंट मैनेजर से बात कर सकता है जो उनका सुपीरियर है एंड टीम लीडर अपने असिस्टेंट मैनेजर के मैनेजर से भी बात कर सकता है जो उनके सुपीरियर के भी सुपीरियर है तो इसको क्या कहेंगे इसको इन्वोर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर्म यहां पे कहेंगे जहां पे आप अपने बॉस और बॉस के बॉस से भी बात कर सकते हो ठीक है चलिए अब हम आते हैं टू द सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो कि है बेटा यहां पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो बनता है लोगों की साइकोलॉजिकल जो नीड है उसके सेटिस्फैक्शन के लिए बनता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसको यहाँ पे कंपनीज जो है क्रिएट नहीं करती कोई भी इसमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होता है यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो एक दूसरे से अटैच है जिनकी बॉन्डिंग है जो एक दूसरे से यहाँ पे दोस्ती रखते हैं वो अपने बीच की पर्सनल बातें कम्युनिकेशन यहाँ पे शेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अब आप ऑफिस जाओगे दोस्त रिश्ते बनाओगे यार बनाओगे बॉन्डिंग करोगे उनके साथ बात करोगे हाई हेलो करोगे तो सारा जो है वो एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यहां पे है

सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क यहाँ पे कहेंगे अब दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं गॉसिप नेटवर्क अब गॉसिप नेटवर्क में जो है हर एक व्यक्ति जो है नॉन सिलेक्टिव बेसिस पे पे किसी से भी यहां पे बात करता है ठीक है तो यहाँ पे जैसे गॉसिप नेटवर्क है तो कोई भी यहाँ पे किसी से भी बात कर सकता है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको यहाँ पे गॉसिप नेटवर्क कहते हैं गॉसिप और प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में फर्क क्या है तो जब मैं प्रोबेबिलिटी नेटवर्क की बेटा यहां पे बात करती हूं प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में यहां पे रैंडमली हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन से इंडिविजुअल से हम यहां पे बात करेंगे ठीक है तो यहां पे ए ने बी को सिलेक्ट किया अब बी के पास एक ऑप्शन था ये और ये तो उसने इसको सिलेक्ट किया इसको सिलेक्ट किया इसको यहां पे छोड़ दिया ठीक है तो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं कि हमें किसके साथ यहां पे कम्युनिकेट करना है क्लस्टर नेटवर्क यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्लस्टर नेटवर्क में हम सिर्फ उन्हीं के साथ बात करेंगे जिनसे हमें यहाँ पे ट्रस्ट है या जिनके ऊपर यहाँ पे हमें ट्रस्ट है ठीक है क्लस्टर नेटवर्क सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो हमें कोई भी सीक्रेट बात करनी है या अपनी पर्सनल बात करनी है तो हम सबको जाकर थोड़ी ना बताएंगे हम जिनके ऊपर भरोसा करते हैं जिनके साथ हमारी पक्के वाली दोस्ती है हम बस उससे बात करेंगे ठीक है तो जैसे मान के चलो यहाँ पे ए बी सी डी और ई e है तो एबीसी तीनों एक ग्रुप में है तो ये तीनों जो है आपस में यहां पे कम्युनिकेट करेंगे ठीक है बट ये दो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो इनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन वो नहीं करेंगे ठीक है तो क्लैसे ग्रुप में हम उन्हीं के साथ बातचीत करते हैं या उन्हीं के साथ कम्युनिकेट करते हैं जिनके ऊपर हमें पूरा ट्रस्ट है जिनके साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप या फिर यहां पे बॉन्डिंग है ठीक है चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो, जो कि है यहाँ पे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन लास्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की बात करो तो काफी बार ऐसे होता है कि कम्युनिकेशन के दौरान बहुत बार जो सामने वाला व्यक्ति है जो हमारा रिसीवर है वो हमारे मैसेज को समझ नहीं पाता मिस इंटरप्रेट कर देता है मिस अंडरस्टैंड कर देता है हम कहना कुछ और चाहते हैं वो समझ कुछ और लेता है अब ऐसा क्यों होता है तो उसके कई सारे कई सारे कारण है बट इन कारणों की वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं हम इनको बैरियर्स बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं मतलब रुकावटें ये बैरियर्स अगर कंपनी में आते रहे एग्जिस्ट करते रहे तो जाहिर सी बात है कंपनी में कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा तो थोड़ी ना चलेगा इसीलिए ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को यहां पे हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सबसे पहले कौन से कौन से बैरियर्स है यहां पे समझ लेते हैं बैरियर्स को फोर डिफरेंट यहाँ पे मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है सिमेंटिक बैरियर्स राइट उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर्स देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स अगेन इनके सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है बट फोर मेन कैटेगरीज ऑफ बैरियर्स यहाँ पे है सबसे पहले अगर मैं सिमेंटिक बैरियर्स की बात करूं तो सिमेंटिक बैरियर्स में जो कोडिंग एंड कोडिंग ऑफ मैसेजेस होते हैं मतलब मुझे सामने वाले के शब्द ठीक से समझ में नहीं आए ठीक है या उसने एक ऐसा वर्ड कह दिया जिसका मुझे मतलब समझ में नहीं आया मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड करना या गलत जगह गलत वर्ड का इस्तेमाल करना उसकी वजह से कम्युनिकेशन एरर्स होना या बैरियर्स होना तो उसको हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स वर्ड्स है मैसेजेस है फॉल्टी ट्रांसलेशंस है या फिर यहाँ पे ऐसे सिंबल्स, जार्गन्स का इस्तेमाल करना ये सारे सिमेंटिक बैरियर्स का हिस्सा है सबसे पहले अगर सिमेंटिक बैरियर की बात करें तो वो है बैडली एक्सप्रेस मैसेज जहां पे मैंने मैसेज को सही तरीके से नहीं बताया इनकम्प्लीट मैसेज यहां पे रख दिया या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है समझने के लिए तो ये एक एग्जांपल एक ऑफ सिमेंटिक बैरियर है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा सेकंड यहाँ पे आपका टाइप है दैट इज विद डिफरेंट मीनिंग

मैं कौन सा मतलब बताना चाह रही हूं यह मुझे आपको पहले से बताना है वरना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आप शायद इसको समझ नहीं पाओगे ठीक है नेक्स्ट क्या है तो दैट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन बहुत बार ऐसे होता है कि सामने वाले की आपको लैंग्वेज नहीं आती तो कोई उसको ट्रांसलेट कर रहा है आपकी भाषा में अब ट्रांसलेट करते वक्त कोई गलत ट्रांसलेशन हो गया किसी ने उसने कहा कुछ सामने वाले ने ट्रांसलेशन करते वक्त बता कुछ और दिया फिर भी कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा नेक्स्ट क्या है तो दैट इज अनक्लेरिफाइड अजम्पन्स बहुत बार हम ऐसे मैसेजेस देते हैं जैसे प्रोडक्शन मैनेजर वाला बेस्ट एग्जाम्पल है कि भाई अपने डिपार्टमेंट का बजट बढ़ गया तो वर्कर्स गया ज्यादा पैसा ज्यादा सैलरी ज्यादा पैसा ज्यादा सैलरी पर प्रोडक्शन मैनेजर का कहना था कि भाई डिपार्टमेंट का बजट बढ़ गया तो नई मशीनरी बेटर टेक्नोलॉजी बेटर मशीनरी अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं उम्मीदों पे पानी फेर दिया ठीक है नेक्स्ट क्या है दैट इज टेक्निकल जार्गन टेक्निकल मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जो 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 होते 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 हैं, 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 उनको पे इस्तेमाल करना। अब जैसे वगैरह करते उसमें सारे के words होते जो अपने पल्ले नहीं पढ़ते मेडिकल में बहुत सारे के होते हैं, जो हमारे पल्ले नहीं पड़ते तो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कॉमन मैन एक बहुत ही डिफिकल्ट राइट नेक्स्ट क्या है तो दैट इज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्टर डी कोडिंग अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं हमेशा एक ही देती हूँ हंसते हंसते आप डांट नहीं सकते और डांटते डांटते आप हंस नहीं सकते अब हंसते हंसते आपने डांटा तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा गुस्सा है कि मजाक कर रहा है ऐसा नहीं होता और आप दुखी चीज हंसते हंसते बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते ना या अच्छी चीज गुड न्यूज यहाँ पे दुखियों की बोल सकते हो क्या जैसे आप मम्मी पापा के पास कभी ऐसे जाओगे मैं फर्स्ट आ गया ऐसे होता है क्या ना हम कैसे जानते हैं? पापा मैं फर्स्ट आ गया। है ना? अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है खुशी और गम साथ में कैसे हो सकता है वो तो कभी खुशी कभी गम होता है कभी कभी ठीक है साथ में ना 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 बट ये फोल्टी जो चीजें होती है मतलब आप कह कुछ और रहे हो आपके एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है नेक्स्ट क्या है तो साइकोलॉजिकल चलने वाली चीजें हैं इमोशंस है, है उसके कारण जो बैरियर्स आते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कोई व्यक्ति है जो चिंतित है या गुस्से में है या कोई चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है या डिप्रेस है तो उसको आप कोई भी चीज कहोगे ना शायद वो उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा और इसीलिए उसको ठीक से नहीं समझ पाएगा ठीक है यहां पे की बात करो, तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रीमेचर इवेल्युएशन प्रीमेच्योर इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि बात कंप्लीट होने के पहले आप उसको इवेल्युएट कर दो बात अभी तक कंप्लीट हुई नहीं और आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि क्या बोलना चाह रहा है मिसकम्युनिकेशन हो सकता है ठीक है नेक्स्ट क्या है दैट इज लैक ऑफ अटेंशन लैक ऑफ अटेंशन मतलब आपका पूरी ध्यान ही नहीं है कि सामने वाला क्या कह रहा है जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि नींद पूरी नहीं हुई या कोई व्यक्ति डिप्रेस है या कोई और चीज को लेकर स्ट्रेस्ट है उसका ध्यान कहीं और है अब सामने वाला बोल रहा है वो सामने बैठा है ऐसे कान सुन तो रहा है बट उसको समझ नहीं पा रहा है राइट right? नेक्स्ट क्या है तो दैट इज लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे यहाँ पे मम्मी ने बोला कि बेटा देखिए दस चीजें ना मार्केट से लेके आनी है मैं बोलूंगी ठीक है एक दो तीन चार पाँच छह छः दस चीजें बताई अब मैं मार्केट में गई ऐसे हल्लू 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 मार्केट में गई गई पहली चीज ली दूसरी ली तीसरी ली फिर भूल गई और क्या था और क्या था ऐसे आठ दस चीजें लेकर आ गई मैं बोली ये नहीं लाई दस बार बोला था इसको भी लाना है मैं बोलूंगी हैराम ज्यादातर लोगों के साथ ही होता है ना ठीक है बहुत पर ऐसे होता है कि कही कई चीज याद नहीं रहती या एक को बोला दूसरे ने तीसरे को बोला तीसरे ने चौथे को बोला उसमें बाद में मिर्च मसाला एड हो गया इससे भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है लास्ट बट नॉट द को तेरे पे भरोसा रे ठीक है देखिए काफी बार अगर आपने सामने वाले को लेकर मन में एक इंप्रेशन बना ली होती है आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है तो वो जो कह रहा है आपको उसके ऊपर भी भरोसा नहीं होता और इससे भी मिसकम्युनिकेशन काफी बार हो सकता है वो आ, कहावत याद है शेर शेर शेरा आपको भरोसा ही नहीं था हमेशा आपको उल्लू बनाता था सच में शेर आया तो किसी ने माना ही नहीं ठीक है चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो की है यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्ट्रक्चर उसके प्लान्स, उसकी पॉलिसीज प्लान, उसकी, पॉलिसी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर अगर कोई भी बैरियर्स होते हैं तो उसको यहां पे हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर का सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी या बहुत स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन पॉलिसी फॉलो करते हो कि भाई ये इससे बात करेगा आप इससे बात नहीं कर सकते आपको आपको यही समय पे बात करना है मेल करके बात करना है मिसकम्युनिकेशन हाँ, हो सकता है ठीक है नेक्स्ट क्या है तो दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन देखिए बेटा ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना कम्युनिकेशन को लेकर तो बहुत बार हम कम्युनिकेशन ठीक से उसके वजह से कर नहीं पाएंगे राइट right? नेक्स्ट क्या है तो दैट इज स्टेटस अब बहुत बार क्या होता है कि मान के चलो कि आपको पूछा आपका मैनेजर कैसा है अब आप हो सकता है असली फीडबैक ना दो क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि भाई वो मेरा बॉस है अब मैं उससे कैसे बात करूं बहुत बार ऐसे होता है कि सामने वाला आपका सुपीरियर है तो उसके सामने बात करने में हम झिकझिकाते हैं ठीक है ऐसे डर लगता है नर्वस हो जाता है तो भी बात नहीं कर पाते हैं राइट नेक्स्ट क्या है

पहले तो ऐसा सोर्स चाहिए तब तो लोग आपको बता पाएंगे तो ये सोर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए भाई आगे जाते हैं टू द लास्ट कैटेगरी जो कि है पर्सनल बैरियर्स पर्सनल बैरियर्स दोनों सेंडर एंड रिसीवर के एंड पे हो सकता है जहां पे सेंडर जो है रिसीवर जो है उन दोनों के बीच में कोई पर्सनल इश्यूज है या एक दूसरे को लेकर कोई दिक्कत यहां पे है पर्सनल बैरियर्स में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है जहां पे फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी है कि भाई सामने वाला मेरा बॉस है अब बॉस है तो उसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते या उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते या उसका कंप्लेन हम नहीं कर सकते डर लगा रहता है राइट right. नेक्स्ट क्या है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखो बेटा फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी में ये भी चीज आ जाती है कि काफी बार बॉस को लगता है कि भाई मैं बॉस हूं तो मैं बोलूंगा मैं जो बोलूंगी लोग वो करेंगे मैं क्यों उनकी सुनू मैं बॉस हूं ना तो मेरा डिसीजन चलेगा मेरा पावर चलेगा इससे भी मिसकम्युनिकेशन होता है क्योंकि आप सामने वाले की सुनी तो नहीं रहे हो राइट right? नेक्स्ट क्या है तो दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट्स में भरोसा नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जो बात कहेंगे वो सही हो सकती है उनके सजेशन अच्छे हो सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी उतनी है तो भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है नेक्स्ट क्या है तो दैट इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट मुझे आपसे बात ही नहीं करनी मुझे मेरा सुपीर पसंद ही नहीं है मेरी और उसकी यहाँ पे छत्तीस का आंकड़ा है दुश्मनी है मेरे को उससे बात ही नहीं करनी है फिर तो कम्युनिकेशन ही तो नहीं हो रहा है राइट लास्ट बट नॉट द लीज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव अगर एम्प्लॉयज यहाँ पे आपको अच्छे सजेशन देते हैं यहाँ पे अच्छे आपको आइडियाज देते हैं आपको यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज देते हैं आप उनके बदले उनको कोई भी रिवॉर्ड कोई भी इंसेंटिव नहीं देते कुछ उसके बदले नहीं देते धीरे धीरे वो आपको सजेशन देना ही छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तो बहुत सारे डिफरेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है देखिए बेटा बैरियर कोई भी हो बट बैरियर से कम्युनिकेशन अधूरा रह जाता है कम्युनिकेशन अधूरे रहने से कंपनी की जो फंक्शनिंग है सिस्टमैटिक रनिंग है उसमें दिक्कत आ सकती है इसीलिए इन बैरियर्स को समझना फाइंड आउट करना और हटाना बहुत ही ज्यादा यहां पे जरूरी है ठीक है कंसेप्ट तो खत्म हो गए कम्युनिकेशन तो खत्म हो गया लेकिन 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 अभी बारी आती है हमारे मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द की जो की है है? कि है पे सॉल्विंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ठीक है सबसे पहले मोटिवेटिंग एंड लीडिंग जब भी इंस्ट्रक्शन की बात आई गाइडिंग की बात आई मोटिवेटिंग की बात आई तो वो एक ही फंक्शन यहाँ पे करता है दैट इज फंक्शन ऑफ डिरेक्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट ऑफ डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट है आपको याद रखनेविजन मोटिवेशन लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन राइट इनमें से कौन सा सुपरविजन है मोटिवेशन दिख नहीं रहा है कम्युनिकेशन है लीडरशिप है तो भाई एलिमेंट ऑफ डिरेक्टिंग में इंस्पेक्शन तो बिल्कुल नहीं आता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई अदर फंक्शन प्रिपेयर अटिंग ऑफ एक्शन सेटिंग फॉर एक्शन नेम द फंक्शन दैट इनिशिएट्स एक्शन तो जैसे मैं बार बार लगातार रिपीट कर रही थी कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग में तो एक्शन की शुरुआत या प्रिपेरेशन होती है बट एक्चुअल एक्शन स्टार्ट कब होता है एक्चुअल काम की शुरुआत कब होती है तो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे होती है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आइडेंटिफाई द लेवल एट विच डायरेक्टिंग फंक्शन टेक्स प्लेस तो भाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि डायरेक्टिंग जो है हर लेवल पे जरूरी है टॉप लेवल मिडिल को इंस्ट्रक्शन देगा मिडिल लोअर को देगा लोअर जो है वर्कर्स को देगा तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जरूरी है राइट

ड नॉट ड्रीब्यूट टूवर्ड्स डैश तो मोटिवेशन से क्या नहीं होता है एम्प्लॉयस का परफॉर्मेंस लेवल बढ़ता है हा भाई बढ़ता है यहां पर एम्प्लॉयज का टर्न ओवर कम होता है हा भाई होता है रेजिस्टेंस टू चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है नहीं 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 रेजिस्टेंस टू चेंज नहीं होता है उल्टा रेजिस्टेंस टू चेंज डिक्रीज होता है ठीक है

क्या है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन अब कौन सा कम्युनिकेशन है जिसका सोर्स डिटेक्ट नहीं हो सकता है तो वो है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी किसी से कभी भी बात कर सकता है इसीलिए बात की शुरुआत कहां से कम हुई इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन हमेशा राइटिंग में ही हो ये भी जरूरी नहीं है ठीक है चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर तो इनमें से कौन सा सिमेंटिक बैरियर नहीं है तो सिमेंटिक बैरियर जो है वर्ड्स सिंबल्स इससे यहाँ पे सॉरी वर्ड सिंबल्स एक्शन इससे रिलेटेड होता है तो यहाँ पे बैडली एक्सप्रेक्ट मैसेज मैसेज वर्ड से रिलेटेड है अनक्लेरिफाइड एजम्सन टेक्निकल जार्गन हाँ भाई ये भी यहाँ पे टेक्निकल uh, जारगन भी वर्ड से रिलेटेड है अनटेरिफाइड अजम्पन ये भी शब्दों से रिलेटेड है प्रीमेर इवेल्युएशन भाई ये जो है एक तरीके से साइकोलॉजिकल यहाँ पे आप कह सकते हो बैरियर है तो इसीलिए दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिमेंटिक बैरियर बैरियर्स कम्युनिकेशन में मेन कौन सा सब टाइप कौन से बैरियर में आता है सिमेंटिक में क्या आता है साइकोलॉजिकल में क्या आता है पर्सनल में क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन uh, में क्या आता है ये मेन आपको यहाँ पे याद रख के जाना है ठीक है

इंसेंटिव तो यहाँ पे पर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव है प्रॉफिट शेयरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव है को पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंसेंटिव है तो कौन सा नहीं है तो दैट इज जॉब एनरिचमेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल बट ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव तो फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सा नहीं है ये मैंने बताया अब इनमें से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सा नहीं है मेरे दोस्त ये आप मुझे नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनमें से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सा ना नहीं है ठीक है चलिए भाई आगे जाते हैं तो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कहता है आशुतोष वर्क्स एज अ मैनेजर इन कुबर लिमिटेड बिसाइड्स द सैलरी कंपनी ऑफर्स हिम बेनिफिट्स सच एज फ्री हाउसिंग मेडिकल एड एजुकेशन टू तो चिल्ड्रन एटसेट्रा तो इसको क्या कहते हैं क्या इसको परक्विसाइड्स कहते हैं जॉब एनरिचमेंट कहते हैं कोपार्टनरशिप कहते हैं या फिर पेन अलाउंसस कहता है मैंने आपको बार बार लगातार एक चीज बताई थी कि या तो क्या होता है पे का कोई होने वाला खर्चा कंपनी पे कर देती है तो यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस वो खुद लेता बच्चों की पढ़ाई खुद भरता ठीक है फीस खुद भरता घर का खर्च खुद उठाता तो उसकी कंपनी ने ये खर्च पे कर दिया मतलब उसका पैसा बच गया तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोक्स या तो पोक्विइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ज्वाइनिंग करतार लिमिटेड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मधुमिता फाइव हंड्रेड शेयर ऑफ द कंपनी यह कौन सा इंसेंटिव है तो कौन से इंसेंटिव में भाई आपको शेयर मिलते कंपनी के तो इसको को पार्टनरशिप या तो स्टॉक ऑप्शन या तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप यहां पे कहते हैं ये एक येलौता ऐसा इंसेंटिव है जो एक एम्प्लॉय को यहां पे ओनरशिप फीलिंग देता है एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस भाई मैं भी कंपनी का ओनर हूं ये एक फीलिंग देता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस ए जनरल मैनेजर ऑफ एन ई कॉमर्स कंपनी गगन मेंटेन्स गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद फॉलोवर्स एंड आल्सो मोटिवेट्स देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल आइडेंटिफाई द कंसेप्ट इन द अबाउ लाइन तो यहाँ पे ध्यान दो की तो जाहिर सी बात है जब भी फॉलोवर्स की बात आती है तो फॉलोअर्स को एक लीडर ही तो मोटिवेट कर सकता है तो लीडरशिप कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ठीक है चलिए इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर सेवन डिरेक्टिंग भी यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर नंबर सेवन तो भाई खत्म हो गया है जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे दुबारा और चैप्टर्स के साथ हम जरूर मिलेंगे लेकिन 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 एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा था तो उसका जवाब यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज के लिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं बाय बाय सींग ऑफ टुडे बट तुम्हारा जरूर मिलेंगे टिल देन सी यू वेरी सुन